अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पिक्चर्स एंड वीडियोस पार्ट नंबर 7। तो चलिए आए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पिक्चर्स एंड वीडियोस को एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इंसर्ट पिक्चर्स, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर्स, चेंज पिक्चर्स, कंप्रेस पिक्चर्स, रिसाइज पिक्चर्स, क्रॉप पिक्चर्स, पिक्चर स्टाइल, पोजीशन पिक्चर्स, टेक्स्ट रैपिंग, इंसर्ट ऑनलाइन वीडियोस एंड ऑप्शंस। तो सबसे पहले आप जाएं यहाँ पे इंसर्ट पे, जहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा पिक्चर्स का, एक आ जाएगा ऑनलाइन पिक्चर्स का। तो पहले हम पिक्चर्स को देखेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये कुछ पिक्चर्स ओपन होगी। आप देखें यहाँ पे भी आपके पास पिक्चर पड़ी हैं, डेस्कटॉप पे पड़ी हैं, या फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में किसी जगह पे पड़ी हैं, सी में, डी में, ई में, जहाँ पे भी आपके पास पड़ी हैं, तो वहाँ पे आप क्लिक करें, जिस फोल्डर में हो उसको ओपन करें और आप पिक्चर्स को इंसर्ट करें। पिक्चर्स पे क्लिक करें, डबल क्लिक कर दें या क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट होगी। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, फिर उसके बाद सेम उसी तरह ही इंसर्ट पे जाएं। तो यहाँ पे मेरे पास है ऑनलाइन पिक्चर्स, तो ऑनलाइन पे आप क्लिक करें। तो यहाँ पे देखें दे रहा है दो चीज़ें, एक दे रहा है सर्च ऑनलाइन, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और आप यह अपनी वन ड्राइव से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कैट, तो इंटर करता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पे काफ़ी कैट की पिक्चर्स आ गई। तो मैं पहली पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने इंसर्ट किया तो मेरे पास पिक्चर यहाँ पे ऑनलाइन इंसर्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह आप ऑनलाइन इंसर्ट पिक्चर कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे है चेंज पिक्चर्स, आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे उसने एक नई टैब ओपन कर दी, ठीक है, पिक्चर्स टूल। तो ये पिक्चर टूल है, तो यहाँ पे देखें दे रहा है चेंज पिक्चर, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आपको ऑनलाइन चाहिए तो यहाँ पे आप ऑनलाइन लिखें, फिर उसी तरह ही कैट या जो चीज़ भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको मैं क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी और पिक्चर चेंज हो जाएगी, ठीक है, एक अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर को मैं कंप्यूटर से चेंज करूं, तो सेम उसी तरह फ्रॉम ए फाइल, तो इस पर क्लिक करें। तो मेरे पास यहाँ पे पिक्चर्स हैं, तो मैं यहाँ से पिक्चर्स ले सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये पिक्चर चेंज होगी। तो यहाँ पे देखे हैं कंप्रेस पिक्चर, तो आप पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। मैं पिक्चर पर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये जो कंप्रेस पिक्चर है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास देखें यूज डॉक्यूमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाली आप ईमेल 96 PPI, मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइज फॉर शेयरिंग, अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके ओके कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वेब 150 PPI गुड फॉर वेब पेजेस, तो अगर आपको वेब पेजेस के लिए चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके ओके कर लें, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर है रिसाइज पिक्चर, आप पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, साइज इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पकड़ें, इस तरह आप पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं, इधर से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चाहें आप पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे रिसाइज के लिए अलग से भी दे रहा है,
यहाँ से भी आप पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, कितना आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद है क्रॉप पिक्चर, तो फिर पिक्चर पे क्लिक करें तो यहाँ पे मेरे पास क्रॉप का ऑप्शन है, तो क्लिक करें यहाँ पे, तो आप पिक्चर को इस तरह क्रॉप कर सकते हैं, कहाँ पे आप रखना चाहते हैं, इधर रखना चाहते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए पिक्चर की। फॉर एग्जांपल ये मुझे लोगो चाहिए यहाँ पे, तो मैं इस तरह पिक्चर को काट सकता हूँ, ठीक है। देखिए मेरे पास फुल पिक्चर भी शो हो रही है सेम उसी तरह। आप अगर वापस जाना चाहते हैं तो आप वापस भी जा सकते हैं, राइट। तो ये क्रॉप काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपसे गलत पिक्चर कट गई, ये मैंने काट दी और इंटर कर दिया, ठीक है। तो मुझे कुछ और चीज़ चाहिए थी, तो मुझे लोगो नहीं चाहिए था, मुझे कोई और चीज़ यहाँ पे चाहिए थी, तो मैंने गलत काट दी, तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, सेम उस तरह क्रॉप पे जाऊँगा, तो देखें सेम वही पिक्चर दोबारा भी शो हो रही है बैक में। आप अगर चाहते हैं दोबारा इसको सेट करना, तो आप यहाँ पे दोबारा भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, इंटर कर दें। तो क्रॉप में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉप टू शेप, पिक्चर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप शेप चेंज कर सकते हैं, देखें इस तरह की आप शेप बना सकते हैं, इस तरह की आप रख सकते हैं, इस टाइप की आप शेप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्चर की शेप चेंज कर सकते हैं, देखें यहाँ पे इस तरह की आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेशो, एस्पेक्ट रेशो, आप रेशो रख सकते हैं स्केयर में, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, तो यहाँ पे आप रेशो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप इस तरह फिल कर सकते हैं, फिट, ऐसे आप पिक्चर को फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं पिक्चर स्टाइल की तरफ। इस तरह आप पिक्चर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें, जैसे आपने सिलेक्ट किया तो फिर उस तरह पिक्चर टूल ओपन हो गया, तो यहाँ पे दे रहा है पिक्चर स्टाइल, तो यहाँ से आप पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, किस टाइप का आपको स्टाइल रखना है, यहाँ से आप पिक्चर स्टाइल ले सकते हैं, राइट। और यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर, आप पिक्चर का बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं, ब्लैक, रेड, और यहाँ पे नो आउटलाइन, मोर आउटलाइन कलर्स, वेट, आप किस तरह का रखना चाहते हैं, जो लाइन है बाहर वाली बॉर्डर की वो आप किस तरह की रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोर लाइंस, तो ये चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और फिर है यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट, रीसेट, ठीक है, शेडो, आप किस तरह का शेडो रखना चाहते हैं, रिफ्लेक्शंस, ग्रोव, ठीक है, सॉफ्ट एज, आप यहाँ से सॉफ्ट एज ले सकते हैं, ठीक है। फिर 3D है, आप 3D रख सकते हैं पिक्चर, ठीक है, इस तरह आप पिक्चर इफेक्ट ले सकते हैं। फिर पिक्चर लेआउट, यहाँ पे देखें पिक्चर लेआउट है, आप पिक्चर लेआउट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला रख लेता हूँ, इधर मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ लिखना, यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आसिफ, तो ठीक है। तो इस तरह मैं पिक्चर इफेक्ट भी ले सकता हूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, राइट। कुरेक्शंस, आप कुरेक्शन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कलर्स है, आप कलर्स ले सकते हैं, किस तरह का आपको कलर्स लेना, ठीक है, पिक्चर कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर इसके बाद है यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, तो यहाँ पे आप
आर्टिस्टिक इफेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पोजीशन पिक्चर्स। आप पिक्चर्स की पोजीशन सेट कर सकते हैं कि आपको पिक्चर कहाँ पे रखनी है। तो पोजीशन के लिए क्या करें, यहाँ पे देखें पोजीशन है, तो ये जो हमारे पास जहाँ पिक्चर पड़ी है ये वाला एरिया है, इस साइड पे आपको पिक्चर चाहिए, इस साइड पे चाहिए। मैं पिक्चर को थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पे, तो दोबारा पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरह देखें ये पोजीशन जहाँ जहाँ पे यहाँ पे शो कर रहा है उस हिसाब से पोजीशन चेंज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग, यहाँ पे आप फिर दोबारा पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ पे दे रहा है रैप टेक्स, स्केयर में रखना चाहते हैं, टाइट, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ टेक्स। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ बिहाइंड टेक्स, तो इस तरह बिहाइंड हो गया। मैं चाहता हूँ टॉप एंड बॉटम, इस तरह टॉप एंड बॉटम पे आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स, तो ये देखें जो टेक्स्ट आपका है वो बैक पे चला गया और पिक्चर फ्रंट पे आ गई। फिक्स पोजिशन ऑन पेज, मूव विद टेक्स्ट, ठीक है, एडिट रैप पॉइंट्स, ठीक है, एडिट रैप पॉइंट्स, ठीक है, मोर लेआउट ऑप्शन, यहाँ से आप मोर लेआउट ऑप्शन ले सकते हैं, सेम वही इस तरह। ठीक है, लेफ्ट ओनली, राइट ओनली, लार्जेस्ट ओनली, बोथ साइड, यहाँ पे लेफ्ट राइट कितना रखना है, तो ये साइज है, ये पोजीशन है लेआउट की। ठीक है, तो हम टेक्स्ट रैपिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो चीज़ आपको चाहिए वो क्लिक करें और ओके कर दें। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज़ और है जो यहाँ पे एलाइन है। एलाइन आप देखें, एलाइन लेफ्ट, एलाइन सेंटर, एलाइन टॉप, एलाइन मिडल, ठीक है, तो यहाँ पे आप एलाइन ऑब्जेक्ट भी चेंज द प्लेसमेंट ऑफ योर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द पेज, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेलेक्ट पेन, इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे एक सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। जैसे ये पिक्चर, पिक्चर का नेम है पिक्चर वन, मैं इसको नेम दे देता हूँ पिक्चर वन फॉर एग्जांपल, इसका नेम चेंज करता हूँ या जो आपके पास इसका नेम है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाइड ऑल, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी। तो बाद क्या ऐसे होता है कि आपके पास ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं तो आप पिक्चर्स को इस तरह नेम दे लें, अगर आप चाहते हैं किसी पिक्चर को हाइड करना तो आप हाइड कर दें, अगर शो ऑल करना चाहते हैं तो जो जो पिक्चर आपके पास ऐड होंगी वो ऑटोमेटिक शो हो जाएंगी। ये पिक्चर मैंने, मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड कर दूंगा, अगर सेकंड पिक्चर होगी उसको मैं शो करना चाहूँगा तो उसको क्लिक कर दूंगा तो वो शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप शो ऑल एंड हाइड ऑल आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पे रोटेट, रोटेट ऑब्जेक्ट, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट 90, राइट रोटेट, राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90, इस तरह आप रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल, मोर रोटेशन ऑप्शंस, यहाँ पे आप क्लिक करके आप मोर ऑप्शंस भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो फिर इसके बाद है एक चीज रिमूव बैकग्राउंड, आप यहाँ पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, मार्क एरियाज टू कीप, ठीक है ना, जो आपने मार्क किया उसको आप रखना चाहते हैं, या मार्क एरियाज टू रिमूव, आप रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट मार्क एरिया, जो आपने एरिया को मार्क किया है वो डिलीट करना चाहते हैं, डिस्कॉर्ड ऑल चेंजेस, अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ पे तो इस पर क्लिक करें और आपकी वापस आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर अपनी असली हालत में आ गई। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं मार्क एरियाज टू कीप, मार्क एरियाज टू रिमूव, चेंजेस करने के बाद या डिलीट मार्क, फिर आप कीप चेंजेस, कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो जो चीज़ आपने मार्क की होगी, राइट।
तो इसके बाद हम लास्ट में आते हैं इंसर्ट ऑनलाइन वीडियोस एंड ऑप्शंस। तो सेम उसी तरह आप जाएं इंसर्ट पे, यहाँ पे दे रहा है ऑनलाइन वीडियो, तो इस पे आप क्लिक करें। जैसे आपने क्लिक किया तो दो ऑप्शन यहाँ पे आ गए, इंसर्ट वीडियो यूट्यूब एंड इंसर्ट वीडियो फ्रॉम अ वेबसाइट। वेबसाइट से ले सकते हैं या आप यूट्यूब से ले सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पे कोई लिंक पेस्ट कर दें, अगर आप चाहते हैं कोई चैनल का नेम है तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाहता हूँ अपने चैनल का नेम मावा वर्ड, इंटर करता हूँ तो ये देखें मेरी जो वीडियोज़ हैं वो ओपन होगी। ठीक है, इस तरह आप देखें आपको कौन सी वीडियो चाहिए उस पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, ये MS Word वाली वीडियो पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वीडियो को इंसर्ट किया तो फिर उसी तरह पिक्चर्स टूल ओपन हो गया। तो सेम उसी तरह करेक्शंस, कलर्स, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, कंप्रेस, चेंज, रीसेट, यहाँ पे स्टाइल, आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, वही सेम पिक्चर वाला सीन है सारा, बॉर्डर्स आप चेंज कर सकते हैं, पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट है यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं इस तरह, क्रॉप कर सकते हैं। सेम उस तरह आप यहाँ पे आप शेड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें सेम जिस तरह आपने पिक्चर पे काम किया सेम उसी तरह ही आप वीडियो पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो पे भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने पिक्चर्स एंड वीडियो के बारे में डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, हाफिज़।